चुनाव की प्रचंड जीत और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कायम रहने के बाद इंदौर के चिड़ियाघर चौराहे के पास एक गार्डन में क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय धनतेरस के अवसर पर एक आयोजन रखा, जहां उन्होंने बूथ समिति सदस्य का सम्मान किया, जहां आयोजन में मुख्य अतिथि नवनियुक्त विधायक तुलसीराम सिलावट रहे। आयोजन के दौरान क्षेत्र की समिति के सदस्यों का सम्मान किया गया। वहीं आयोजन के दौरान बता दें कि क्षेत्र की समिति के सदस्यों को दीपावली के अवसर पर वस्त्र वितरित किए गए। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे देश की परंपरा है कि जब हम दीपावली जैसा त्योहार मनाते हैं तो सभी के घर में खुशियां होनी चाहिए और नए कपड़े उन्हें मिलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक के नेतृत्व में टी शर्ट और साड़ियों का वितरण किया गया। देखिए, आज का एक अद्भुत आयोजन था जो विधानसभा 3 में आकाश जी के द्वारा उनके नेतृत्व में पूरी विधानसभा के माध्यम से किया गया। और जितने हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, आज इतना बड़ा देश का त्यौहार है दिवाली का, और सभी के लिए उन्होंने यहाँ पे गिफ्ट दिए हैं। हमारी जो बहनें हैं महिला मोर्चा की, उनको साड़ियाँ गिफ्ट की है, और जो हमारे भाई लोग हैं उनको टी शर्ट दिया है और कुछ मिठाइयाँ साथ में दी है। इसी देश में प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, या ये कह सकते हैं कि बची हुई है सरकार, तो कैसे देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे इस चुनाव के बाद में? देखिए, नतीजे आपके सामने हैं और जनता का मत, हम कोई एक दो मतों, मतलब एक दो सीटों से आगे नहीं आए हैं। कुल मिला के हमारे पास आज 128 सीटें हैं। तो जनता भी यही चाहती थी कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजित हो। आपका परिचय? श्रेष्ठा जोशी, पूर्व प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। इनके परिश्रम से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और इसलिए बन पाई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को परिवार का सदस्य मानता है। तो आज हमने दीपावली पर जिस प्रकार परिवार के सदस्य कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनवाते हैं, हम नए कपड़े बनवाते हैं, उसी प्रकार आज हमारी विधानसभा के जो बूथ समिति के कार्यकर्ता, हर बूथ पे 20-20 कार्यकर्ताओं की हमारी टीम रहती है, तो उन सबके लिए कुछ कपड़े मंगवा के दीपावली उत्सव उनके साथ में मना रहे हैं। प्रदेश में फिर से एक बार भाजपा की जीत का परचम लहरा है, कितना से और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीत तो तय थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में जो काम किया, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया, और कांग्रेस ने जो 15 महीने में आतंक मचाया, झूठे वादे किए लोगों से, 2 लाख का कर्ज माफ़ करेंगे, 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ट्रांसफर उद्योग चलाया, इस सब से जनता अवेयर थी, जनता को पता था ये सब। बस हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुनाव के दौरान इस बात का और याद दिला दिया, तो जनता ने प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। हम बहुत खुश हैं और जनता का आभार व्यक्त करते हैं, कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, और आपकी तरफ से सबको दीपावली के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारतीय